हेलो आज मॉर्निंग कुछ ज्यादा ही जल्दी होगी नहीं रात के 1:30 बजे सर 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 वो एक्चुअली अर्जेंट काम आ गया ना तो इसलिए सोचा इतनी रात को आपको क्यों डिस्टर्ब करूं इसलिए मैं खुद ही आ गई अर्जेंट काम था मुझे क्यों डिस्टर्ब करना हाँ राइट बाय द वे अर्जेंट काम क्या था तारिका मैं जान सकता हूँ हाँ सर ब्लड सैंपल्स को भेज रहे थे डीएनए टेस्ट के लिए तारिका प्लीज डोंट इंसल्ट माय इंटेलिजेंस प्लीज बाय द वे पूरे दिन हम ये ब्लड सैंपल्स की बात करते रहे और शाम को 5 बजे तक हमने सारे ब्लड सैंपल्स डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिए तो फिर ये नया कौन सा ब्लड सैंपल आ गया पैंट पे जो ब्लड लगा हुआ था ना वो सैंपल भेजना रह गया इस पैंट पर लगा हुआ खून ये भेजने से रह गया हम बाय द वे ये कौन सा नया एविडेंस है जो डॉक्टर सालुके को नहीं मालूम क्या वो और ये पैंट तुम्हें कहाँ से मिली क्योंकि क्राइम स्पॉट पर मुझे तो ऐसी कोई पैंट नहीं मिली तो तुम्हें कहाँ से मिली किसने दी तुम्हें पैंट किसने दी Come on, give me the answer. Abhijit! यार ये CID में जितने गलत काम होते हैं सब में इस आदमी का नाम क्यों जुड़ा हुआ था अभिजीत अभिजीत ने दी तुम्हें बैठ हाँ मुझे क्यों नहीं दी पता नहीं ये पैंट किसकी है पता नहीं पैंट पर लगा हुआ खून किसका है पता नहीं ये पैंट डॉक्टर सालुके के पास क्यों नहीं आई पता नहीं तो तुम्हें क्या पता है डॉक्टर तारे को क्या पता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया मेरे दिमाग से निकल गया सर प्लीज प्लीज तारिका नाउ यू आर अब्यूजिंग योर ओन इंटेलिजेंस मैं अपनी असिस्टेंट को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं तो तारिका के दिमाग में से कोई भी बात बिना वजह नहीं निकल सकती है तारिका जरूर कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छिपा रहे ना कम ऑन टेल मी प्लीज टेल मी द ट्रुथ ऐसी तो कोई बात नहीं है ऐसी कोई बात नहीं यू श्योर ऐसी कोई बात नहीं ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है तारिका इस पैंट को तुम डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाओ अब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बताएगी कि कौन कितने पानी में है हो गया तुम्हारा तारिका हाँ सर हो गया सर दया सर का कुछ पता चला नहीं अभी नहीं सर मुझे बड़ी टेंशन हो रही है दया सर के पड़ोसी कह रहे थे कि वो कल से घर पे नहीं आए उनका फोन भी नहीं लग रहा है शायद किसी काम में फंस गया होगा और सर इसी भी सर सर उनका भी फोन नहीं लग रहा है
सीआईडी की ड्यूटी में ऐसा होता रहता है पंकज। सचिन, उन दोनों मरने वालों के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, एक का नाम कल्लू है और दूसरे का नाम भीकू। पिछले 6 सालों से यही तरह तरह के क्राइम कर रहे थे। पहले चोरी, बाद में किडनैपिंग वगैरह। एड्रेस है इनका? नहीं सर, एड्रेस तो नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि भीकू किसी डीएन बार में जाता था रेशमा नाम की डांसर से मिलने के लिए। डीएन बार की डांसर रेशमा? बहुत अच्छा डांस कर लेती है। पहले किस बार में काम करती थी? डिस्को जंक्शन। डिस्को जंक्शन, ये कहां पर है? इसका नाम नहीं सुना पहले। अंबर नगर में जो पुलिया है ना, बस उसी पुलिया के नीचे। वहां तो वहां से काम को छोड़ दिया? स्टेट बराबर पैसे नहीं देता क्या? बहुत कंजूस था, कंटाल गई, छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया जो यहाँ चली आई। ऐसे ही अपनी अदाएं दिखाती रही ना तो देखना सब एक दिन तुम पे कैसे लट्टू हो जाते हैं। वैसे तुझे यहाँ का पता किसने बताया? रेशमा ने। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही? रेशमा, उसने तो ये लाइन छोड़ दी, तुझे नहीं पता? नहीं, आप क्या करती? उसने शादी कर ली। शादी कर ली? हाँ। किससे? बीकू से। बीकू? बीकू को भी जानती हो तुम? जानती वानती नहीं हूँ, वो एक बार उसने बीकू का नाम लिया था बस। बीकू की वजह से ही तो वो मुसीबत में फंसी थी। क्या ऐसा क्या हुआ था? क्या हुआ ये तो पता नहीं, बस इतना जानते हैं कि रेशमा के बार छोड़ने की वजह बीकू था। तो रेशमा ने बीकू से शादी की? बीकू से नहीं, अपने ऑटो ड्राइवर मंगल से, जो उसको यहाँ पे लेके आता था और यहाँ से लेके जाता था। मंगल? ये मंगल रहता कहाँ पर है? जी कहिए। रेशमा? जी मैं ही हूँ रेशमा। पर आप लोग? हम लोग सीआईडी। सीआईडी?
डरो ना, कुछ पूछताछ कर ले। पूछताछ नहीं, आंटी क्या आइए अंदर आइए। आप लोग चाय ठंडा कुछ लेंगे? जी नहीं, थैंक यू। इनफैक्ट सॉरी, हमने आपको खाना बनाते वक्त डिस्टर्ब किया, लेकिन बात थोड़ी जरूरी थी। क्या हुआ? मंगल तो ठीक है ना? मंगल का तो पता नहीं, लेकिन ये भीखू कौन है? भीखू को जानती हैं आप? भीखू? कौन भीखू? देखो रेशमा, हम तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में जानते हैं। भीखू तुम्हें डीएन बार में मिलने आया करता था ना? देखिए, अपने पुराने यादों को मैं अपने दिमाग से पूरी तरह मिटा चुकी हूँ। भगवान के लिए आप लोग मेरे पुराने जख्मों में मत कुरे दिए। हमारे ऐसे कोई इरादा नहीं। ये सही कह रही, सीआईडी के बेकसूर ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं, और आपकी मदद से हम उन्हें बचा सकते हैं। ठीक है, पूछिए, क्या जानना है आपको भीखू के बारे में? भीखू की वजह से तुमने बार की नौकरी क्यों छोड़ी? अगर मैं उस बार का काम नहीं छोड़ती तो गुंडे मवाली मुझे जान से मार देते। कौन गुंडे मवाली? वही जो उस बार में आते थे। भीखू हमेशा मुझे कहा करता था कि मैं उनसे दोस्ती कर लूं और उनकी खास खास बातें उससे बताया करूं, मगर पता नहीं उन लोगों को कैसे ये बात मालूम हो गई और वो लोग मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे, और बस मैंने बार छोड़कर शादी कर ली। ये भीखू रहता कहाँ है पता है आपको? सर, भीखू तो मर चुका है, फिर हम लोग यहाँ क्या ढूंढने आए? कोई ऐसा सुराग जो सीआईडी को उसके खूनी तक ले जा सके। देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये रहा। ऊपर जाके चेक करो, देखो कुछ मिलता है। देखो क्या मिलता है। सारी बाप की कमाई। सर, सही देखिए, कुछ ना कुछ और जरूर मिलेगा, ढूंढते हैं। बस बस, ये क्या है? सर, अंदर किचन में से ये गन्स और ये चाकू मिले। गन्स? ये देखो, पासपोर्ट। आदमी एक और पासपोर्ट तीन। पर भीखू तो कोई छोटा मोटा चोर था, और ये तीन तीन पासपोर्ट तो किसी ऐसे मुजरिम के पास ही हो सकते हैं जो कोई बहुत बड़ा गुनाह प्लान कर रहा हो। हाँ, जरूर कोई लंबा चक्कर है श्रेया। इस केस में ऐसा कुछ है जो हम अभी तक देख नहीं पा रहे हैं, पर क्या है? कौन है आप लोग? आप? मैं यही रहता हूँ। भीखू घर में नहीं है मालूम है, उसका खून हो चुका है।
हम लोग सीआईडी से हैं। खून? किसने मारा भीकू को? यही तो पता करना है, क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? पता नहीं साहब, लेकिन यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, उसका कोई दोस्त वोस्त किसी से वो ज्यादा बातें करता? हाँ, नथु पान वाला, बहुत गहरी दोस्ती थी दोनों की। भीकू घंटों घंटों तक उसकी दुकान पे खड़ा रहता था। ये नथु पान वाला हमें मिलेगा कहाँ? सर आगे से लेफ्ट, सामने दुकान है उसकी। तुम्हारे पान में वो पहले वाली बात नहीं रही, न ठीक से सुपारी डालते हो न कत्था, गुलकंद का सारा पैसा बचा लेते हो। हाँ हाँ, जा जाओ, एक तो भार खाते हो, ऊपर से रोप झाड़ते हो, जाओ। क्या हो गया, क्यों झगड़ रहे हो? कुछ नहीं साहब, इन मुफ्त खोरों को नसीहत देनी पड़ती है। वैसे भीकू तुम्हारा ही दोस्त था ना? भीकू? कौन भीकू? CID? अब बताओ, इस आदमी को दिन में कितने पान खिलाते हो? ये तो पान खाता ही नहीं है। पान नहीं खाता तो क्या, दिन भर यहाँ पे खड़े रहके रेडियो पे कमेंट्री सुनता था वो? बस यूं ही टाइम पास करने आता है। देखो ना तो भैया, ये जो CID वाले होते हैं ना, ये इंसान के हाव भाव को देख के समझ जाते हैं कि वो सच कह रहा है या फिर झूठ। मगर मैं तो सच बोल रहा हूँ। अब इसका टेस्ट तो ब्यूरो में होगा, चलो हमारे साथ ब्यूरो चलो। ब्यूरो? नहीं नहीं, बताता हूँ, सब बताता हूँ। बताओ जल्दी, वो यहाँ क्यों आता था? लिफाफा देने। कैसा लिफाफा? ये तो पता नहीं लिफाफे में क्या होता है, पर जैसे ही वो लिफाफा देता है मैं दुकान के बाहर पीला कपड़ा टांग देता हूँ और फिर कोई ना कोई आकर वो लिफाफा ले जाता है। तुमने कभी खोल के नहीं देखा कि लिफाफे के अंदर क्या था? नहीं साहब, भीकू मुझे हर लिफाफे के 5,000 रुपए देता है, मैं लिफाफा खोल के उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तुम्हें आज बिल्कुल वैसा ही लिफाफा CID टीम देगी और तुम अपनी दुकान के बाहर वही पीला कपड़ा टांगोगे, समझ गए? आई आई मैडम, कैसा पान लगाऊं, सादा या मीठा? पीला पान। अच्छा समझ गया। लिफाफा खाली कैसे? क्योंकि ये लिफाफा हमने रखा है।
हो गया तुम्हारा, चलो हमारे साथ। होश में आओ ऑफिसर, तुम जानते नहीं हो मैं कौन। जिस तरह तुम सब एसीपी प्रद्युमन के लिए काम करते हो, उसी तरह मैं भी उन्हीं के लिए काम करती हूँ। ये कैसे हो सकता है, तुम तो भीकू की साथी हो। और अगर मैं ये कहूँ कि भीकू भी आपकी और मेरी तरह एक सीआईडी ऑफिसर था, तब आप क्या कहेंगे? तुम झूठ बोल रही हो सर, ये हमें गुमराह करने के लिए ये सब बोल रहे। कैसे यकीन करें हम तुम्हारी बात का? आप चाहो तो एसीपी सर से बात कर लो, उन्होंने ही मुझे और भीकू को इस अंडरकवर मिशन पर भेजा था। अगर एसीपी सर भीकू को जानते थे तो फिर उन्होंने हमसे ये बात छुपाई क्यों? निकेतन। यस सर। मुझे तुम्हारी एक खास मिशन के लिए जरूरत है। खास मिशन सर? हाँ खास मिशन। जैसे कि तुम जानते हो, दया, अभिजीत और बाकी सारे जो ऑफिसर्स हैं, हर कोई जानता है कि वो लोग सीआईडी के ऑफिसर्स हैं। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है जो खुफिया तरीके से अंडरकवर कॉप्स बनके अंडरवर्ल्ड के क्राइम सिंडिकेट में घुसे, उनके बारे में खास खास इंफॉर्मेशन निकाले और हमें दे दें। और ये सब हम किस लिए चाहते हैं? ताकि हम इस पूरे अंडरवर्ल्ड का, इस पूरे क्राइम सिंडिकेट का सफाया करते हैं, सफाया। इसलिए भानु, तुम इंस्पेक्टर भानु नहीं बल्कि भिकू बनोगे, एक गुंडा। श्योर सर। अगर मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूंगा? नहीं भानु, हम एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे। 2 साल तक हम एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि तुम इस पूरे अंडरवर्ल्ड में घुल मिल जाओगे और उनकी जिंदगी अपनी जिंदगी बनाकर जियोगे, समझे? मेरे परिवार वालों का क्या? तुम्हारे परिवार की चिंता अब मेरी चिंता होगी। तुम बिल्कुल चिंता नहीं करोगे उनकी, उनके सुख दुख, उनकी सुरक्षा, ये सब मेरी जिम्मेदारी होगी और ये मेरा वादा है। बस तुम सिर्फ इतना बताओ कि अपनी जिंदगी के कुछ साल इस मिशन को देने के लिए तैयार हो। कुछ साल तो क्या सर, अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर दूंगा देश के ऊपर, पीछे नहीं हटूंगा।
गुड। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जिंदा छोड़ूंगा उन सबको जिसका भी हाथ है मेरे जाबाज ऑफिसर्स की मौत में। एक एक को कीमत चुकानी पड़ेगी, एक एक को, ये मेरा वादा है। नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को भी। जरा ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करना, पिछले कई सालों का सबसे ज्यादा उलझा हुआ क्राइम सीन है। बताइए बताइए सालों के साथ, मैं अपनी आंखें नाक और कान सब कुछ खोल के सुन रहा हूं। बिल्कुल ठीक कर रहे हो फ्रेडी। देखो कल्लू बैठा हुआ था यहां इस कुर्सी पर ऐसे, और भीखू बैठा हुआ था यहां इस चेयर पे ऐसे। और पहली गोली किसे लगी? पहली गोली लगी कल्लू को। शूट अभिजीत, शूट, शूट अभिजीत, शूट। और कल्लू को गोली मारने के कुछ ही पलों के बाद मुजरिम ने भीकू को गोली मार दी। अभिजीत क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ मैं तो ठीक हूँ। क्या ठीक हो यार, हमेशा तो लैब में घुसते ही सवालों की झड़ी लगा देते थे, आज तो चुपचाप खड़े हो एकदम। नहीं नहीं ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, सवालों की झड़ी तो अभी मेरे दिमाग में है, और सबसे अहम सवाल यह है कि कल्लू और भीखू को मारने वाला खूनी वो खड़ा कहाँ था? अरे भूल गए यार तुम, तुम्हें बताया था ना मैंने क्राइम सीन पर, खूनी इन दोनों के बिल्कुल सामने खड़ा था, करीब 10 फीट की दूरी पर, जैसे तुम खड़े थे। अच्छा सर, वहां पे आपको खूनी के जूतों के निशान भी तो मिले? हाँ मिले थे ना, दिखाता हूं। करण ये चेस जरा वहां रख दो। ये देखो ये है वो जूतों के निशान, 9 नंबर का जूता है। ये जूते का डिजाइन कुछ अलग सा दिख रहा है ना सालों के साथ? हाँ ब्रेडी, जूते के डिजाइन से, जूते के नंबर से और जूते के सोल से हमें काफी ऐसी चीजें पता लग सकती हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी मुजरिम तक पहुंच सके। अभिजीत तुम अपने जूतों की तरफ क्यों देख रहे हो भाई? नहीं नहीं वो ऐसे ही आप कह रहे थे कि आपको 4 शेल्स मिले थे क्राइम सीन पे से। हाँ मिले थे मुझे वहां पर 4 गोलियों के शेल्स मिले थे, उनमें से 2 शेल्स उन 2 गोलियों के थे जो भीकू और कल्लू को मारी गई थी। 1 शेल मिला था मुझे कल्लू की लाश के पास में, और 1 शेल मिला था तारिका को दरवाजे के पास में। मतलब किसी ने गोली दरवाजे के पास से चलाई थी? हाँ सचिन, मुझे लगता है खूनी जब कल्लू और भीकू पर गोली चला रहा था, कमरे में कुछ और लोग भी दाखिल हुए और उन्होंने अंदर घुसते ही गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे 2 और लोग जख्मी हुए, क्योंकि वहां पर मुझे 4 लोगों के ब्लड सैंपल्स मिले। अरे बाप रे बाप, 4 लोगों के खून, 4 गोलियों के शेल, सालों के साथ ये केस किसी बोर्ड के एग्जाम से कम नहीं है। 4 लोगों का खून मतलब कल्लू और भीकू के अलावा 2 और लोग भी घायल हुए? हाँ भी जी। तो ये जो 2 और लोगों के खून थे वो किसके हैं, कुछ पता चला? नहीं मैं भी जी, तभी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने वाली है। और सर वो गोलियों के शेल, उसकी रिपोर्ट आई क्या? सचिन इस सब में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा वक्त दो। एनीवेज वो दया की कुछ खबर? नहीं सर, दया सर का अब तक कुछ पता नहीं, उनका फोन भी नहीं लग रहा है, ना ही फोन ट्रेस हो पा रहा है, पता नहीं कहाँ है और किस हाल में। एक्सक्यूज मी,
मैं अभी आया। ये कहाँ चला गया यार, हो क्या गया इसे आज? पता नहीं सर, आज कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। शायद दया सर की वजह से परेशान होंगे, हो सकता है। एक मिनट। हाँ वैभव, डीएनए रिपोर्ट मिल गई? हाँ तो लेके आ जाओ फौरन। यस। तारिका, क्या वो तो मेरे पैंट पे फोन लगा था, उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई? हाँ आ गई। किसका किसका खून है? कोई पुराना मुजरिम है? नहीं, किसी पुराने मुजरिम का खून नहीं है। तो फिर किसका खून है? तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते? डीएनए रिपोर्ट ही है? हाँ सचिन, डीएनए रिपोर्ट ही है। पर ये रिपोर्ट बता रही है कि तीन लोगों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया है, चौथे का ब्लड ग्रुप हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। अब देखते हैं किन किन लोगों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया। दो तो उन्हीं के होंगे ना, भीकू और कल्लू के। हाँ रेडी, अभी देखते हैं पता लग जाएगा। ये ब्लड ग्रुप तो भीकू का है जो मैच हो गया है, और ये कल्लू का ब्लड ग्रुप भी मैच हो गया है, और ये तीसरा। My God! क्या हुआ सर? क्या हुआ सचिन? ये देखो सचिन क्या हुआ। My God! तीसरा ब्लड ग्रुप दया सर का है? ये कैसे हो सकता है? दया का खून मेरी पैंट में? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। दया पिछले 24 घंटे से गायब है, क्या किया है तुमने उसके साथ? हाँ क्या किया तुमने? मैं क्या करूंगा दया के साथ? दया, शूट अभिजीत, शूट, शूट अभिजीत, शूट, शूट अभिजीत, शूट, शूट अभिजीत, शूट, अभिजीत। मेरा यकीन करो, मैंने दया को कुछ नहीं किया। तुम जानती हो मैं दया को सपने में भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं जानती हूँ अभिजीत, लेकिन ये बात मुझे तालू के सर को बतानी पड़ेगी। नहीं, मुझे थोड़ा वक्त, मैं कोशिश कर रहा हूँ पता लगाने की। I'm sorry. मैं इस तरह से चुपके चुपके काम नहीं कर सकती, मुझे बताना पड़ेगा उन्हें। तुम्हारे हो मेरे साथ ऊपर? तुम आ रहे हो क्या? अभिजीत, अभिजीत, इसका मतलब जब कल्लू और भिक्कू पे गोली चलाई गई उस वक्त दया सर वहां मौजूद थे। सर शायद दरवाजे के पास वाला शेल उसी गोली का होगा जो दया सर को लगी थी। हाँ फ्रेडी, हो सकता है दया सर कल्लू और भिक्कू की मदद के लिए गए होंगे और उसी दौरान हाथापाई हुई और गोली दया सर को लग गई। दया को गोली लगी, वहां पर खून भी बहुत था। पता नहीं किस हाल में होगा दया। लेकिन दया सर अकेले ऐसे खतरनाक मिशन पे गए क्यों? अरे मुझसे पूछ लिया होता, मैं चल पड़ता उनके साथ। रेडी, ये सब करने का मौका ही नहीं मिला होगा दया सर को। जिसने भी दया सर पे गोली चलाई है ना, छोड़ूंगा नहीं उसे। लेट्स होप दया जहां भी हो जैसा भी हो एकदम ठीक हो। देखो तुम लोग ये गलत कर रहे हो। डॉक्टर, तुम लोग एक डॉक्टर को यूं जबरदस्ती नहीं लेकर आ।
अबे ये गैर कानूनी है। अबे डॉक्टर तू हमें सिखाएगा क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी? अरे पूरे दिन में शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो कानूनी हो। कानूनी हो चल। मैं तुम जैसा नहीं हूँ। चल किस किस कैसा है जानते चल। अरे मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। अरे चल ऐसा है गलत काम नहीं करता। तेरी पूरी कुंडली निकाली है मनु भाई ने, रिश्वत लेने से लेकर गलत ऑपरेशन करने तक तेरा पूरा कच्चा छिटा उनके पास। गलत काम नहीं करता चल। क्या चल आप लोग को कोई गलत फहमी हो रही है? ओए गलत मेरी बात सुन। अरे अरे सुनिए मेरी बात सुनिए सुनिए। हेलो इधर हेलो जसदा। मनु भाई ये रहा डॉक्टर, बहुत परेशान किया है इसने हमें। डॉक्टर हमारे आदमियों को इतना परेशान क्यों किया रे? नहीं मैंने कहा कोई परेशानी की, बताइए भाई क्या करना है? दिखाई दे रहा है इस आदमी को यहाँ गोली लगी है और ये गोली निकालेगा तू, समझ गया? काम कर। पर ये तो पुलिस केस। ए! तेरे को इधर टपका दिया ना तो तू भी अभी पुलिस केस बन जाएगा। क्या समझा कि नहीं समझा? समझा है? पुलिस केस। चल काम कर चल जल्दी जल्दी शुरू कर चल। इनका तो बहुत खून बह गया है। तो मतलब खून पूरी बॉडी में फैल गया होगा। अरे तो डॉक्टर तू है ना, इसीलिए बुलाया ना। चल काम कर चल चल शुरू कर। फर्स्ट एड बॉक्स मिलेगा। अरे बहुत नाटक है रे तेरा, ये हॉस्पिटल है क्या है? कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा ही कर चल जल्दी चल। वो बॉटल और टेबल मिल सकता? अरे वो बॉटल टेबल लाओ रे, जाओ 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 लाके दो इसको। हो गया अब मैं जाऊं? जा सकता है, लेकिन अगर अपनी जान की सलामती चाहिए तो इधर आके ये गोली वोली निकाला, ये बाहर किसी को बोलना नहीं। क्या समझ गया? निकल। ए! को बहुत होशियार समझता है क्या? नहीं वो तो नहीं। नहीं इधर होशियार सिर्फ मैं हूं, समझा? उठा अपना तामझाम और निकल यहां से। ए इसके आंख में पट्टी बांध के इसको छोड़ के आओ। चलो चल चल निकल।
डॉक्टर सालुक है? या डॉक्टर प्रमोद हियर। ओह हेलो, मैंने ही आपको फोन किया था। लेकिन यहाँ इतनी रात को क्या बात? बात आपके सीआईडी ऑफिसर दया की है। मैंने उसकी पीठ से ये गोली निकाली है। उसकी हालत बहुत खराब है। तुम जानते हो दया का? नहीं, वो तो मैं नहीं जानता। तुमने दया की पीठ से गोली निकाली और तुम्हें मालूम नहीं दया कहाँ है? क्या बात कर रहे हो तुम? देखिए, मुझे कुछ लोग जबरदस्ती उठाकर आग पर पट्टी बांधकर लेकर गए थे और उन्होंने ये गोली निकलवाई। तुम जानते हो वो लोग कौन थे? मैं सच में नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि वो जो भी लोग थे बहुत खतरनाक लोग थे। सर, दया की पीठ से बहुत खून बह चुका है और हो सकता है कि जहर पूरी बॉडी में फैल गया हो। अगर दया को वहां से जल्दी निकाला नहीं गया तो उसका बचना नामुमकिन है सर। I know. दया की जान खतरे में है।